प्राइवेट बस कर्मचारी संघ नीमच के सदस्यों ने आज प्राइवेट बस स्टैंड स्थित बगीचे में एकत्रित होकर अपना विरोध जताया। वहीं आज उन्होंने अपनी नई कार्यकारिणी भी घोषित की, जिसके बाद संघ के नवागत अध्यक्ष सुरेश बैरागी के नेतृत्व में कलेक्टर कार्यालय पहुंचकर नायब तहसीलदार को कलेक्टर के नाम ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में मांग की है कि देश में जब से लॉकडाउन लगा है तब से हम बसों पर ड्राइवरी एवं कंडक्टर एवं खल्लासी है तथा हमारे घर की आर्थिक स्थिति एवं पारिवारिक स्थिति दयनीय है। परिवार के गुजर बसर हेतु सेठ साहूकारों से रुपए उधार लिए बसें नहीं चलने से हम बेरोजगार हैं, इसलिए हमारी आर्थिक स्थिति को देखते हुए आर्थिक सहायता प्रदान करें। की मीटिंग थी, इसमें हमारा आर्थिक सहायता के विषय में बात हुई, जो आज हम ज्ञापन देने जा रहे हैं कलेक्टर ऑफिस। हमारे 3-4 महीने से गाड़ियाँ लॉकडाउन पड़ी है, अभी तक मोटर मालिक ने कोई सुनवाई नहीं करी हमारी, इसलिए आज हम कलेक्टर ऑफिस जाके ज्ञापन देंगे। हमारे हर महीने की 10,000 रुपये आर्थिक सहायता दी जाए हमारे हर कर्मचारी को। कर्मचारी लोग सब बैठे हुए हैं, मोटर मालिकों की तरफ से भी अगर कहा गया है तो मोटर मालिक का अगर पहिया नहीं घूमेगा तो कर्मचारियों को कहाँ से देंगे। मोटर मालिक तो वैसे भी डीजल वगैरह में परेशान है। शासन अगर सभी को मदद दे रही है तो हमको भी मदद दे। अगर शासन सभी को और प्रधानमंत्री जी करोड़ों रुपए खजाने से दे रहे हैं, मुख्यमंत्री जी घोषणा कर रहे हैं, तो हमने क्या बिगाड़ा। हमारे कर्मचारी दूध के पैसे देना हो गए, परिवार चलाना बड़ा मुश्किल हो रहा है और हमारा रोजगार हमें लग रहा है कि 4 महीने और नहीं चले, ऐसा हमें महसूस हो रहा है। तो हम कहाँ तक, अभी तक हम ठीक है, जो भी था हमारे पास हम चला रहे थे, पर वो भी इधर उधर से चला रहे थे। कई कर्मचारी तो ऐसे हैं जो रोज कमाते थे ने खाते थे, उनकी तो बहुत दिनहीनी हालत है। कभी सरकार को अगर उनका कूपन से अगर कुछ मिल रहा हो तो बली, बाकी हमारे कर्मचारी को कूपन का भी राशन नहीं मिलता है। और सरकार से हम मदद चाहते हैं, कम से कम 10,000 रुपये महीने की हमें मदद दी जाए सभी कर्मचारियों। बसें बिल्कुल बंद पड़ी हुई है, खाने पीने की परिवार की सब समस्या आ रही है। सरकार की तरफ से किसी भी प्रकार की हमको ना राशि दी गई है, ना खाने पीने की किसी प्रकार की चीज़ दी गई है। और अभी थोड़े दिन पहले एक पेपर में एक खबर लगी थी, जब मोटर मालिकों के ऐसा लिखा हुआ था उसमें कि सभी मोटर मालिक इस लॉकडाउन में तबाह हो गए हैं, और उसमें बस मालिकों ने हर कर्मचारियों को 3-3 महीने का वेतन दिया गया था, और हमको आज 3 महीने पूरे हो गए हैं, किसी की तरफ से एक रुपया नहीं मिला है, ना मोटर मालिक की तरफ से ना सरकार की तरफ से। और आज हम बिल्कुल दुखी, ऐसे दुखी हो गए हैं कि किराए के मकान में रहते हैं, दूध किराए, दूध वाले का घर का किराया, खाने पीने का, हर चीज़ से हम परेशान हो गए हैं। इसलिए हम सभी ने प्राइवेट बस कर्मचारी के, हमारे यूनियन के अध्यक्ष, नए अध्यक्ष हैं हमारे बैरागी जी, सुरेश जी बैरागी को नियुक्त किया गया है, और हम सभी यहाँ एकत्रित हुए हैं। और हमारी एक ही मांग है कि कम से कम हमको 10,000 रुपये प्रतिमाह के मिलना चाहिए तो हमारे घर गृहस्थी चले। और नीमच मनासा रामपुरा में ऐसे कर्मचारी हैं जो किराए के मकान में रहते हैं और अपना गुजर बसर करते हैं, यह टैक्स माफ़ करने के लिए या किसी भी प्रकार से बोला होगा, बल्कि मैंने एक न्यूज़ देखी थी, पेपर देखा था, उस पेपर में ये खबर लगी हुई थी, इस 3 महीने के लॉकडाउन में बस मालिक तबाह हो गए हैं और बस मालिकों ने 3-3 महीनों का वेतन प्रत्येक कर्मचारियों को दिया गया था। बल्कि मैं और जितने भी भाई हैं मेरे साथ कर्मचारी भाई, किसी को एक रुपया किसी सरकार की तरफ से और मोटर मालिक की तरफ से किसी को नहीं दिया गया। वॉइस ऑफ एमपी के लिए चीफ रिपोर्टर मुश्ताक अली शाह की रिपोर्ट।